पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ऑल इंडिया पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सलाउद्दीन मंसूरी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मगुरुओं से भेंट कर भाईचारे और सद्भाव पर चर्चा की। साथ ही जनता को कौमी एकता के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। पद्मश्री दिलशाद हुसैन सहित दिलशान दास, अरविंद अग्रवाल, चंचल दास, डैनियल मसीह, शिवली मियां, नवाब हयातुल नबी, गुल्लू मियां, मुतुजाब कादरी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जो लाभार्थियों से मिलना है और दूसरी जो रथ जो चल रही है उसमें इस बात में बताना कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। और जो लोग लिस्ट में हैं, फहरिस्त में हैं, सूची में हैं, लेकिन उनका नाम है लेकिन फिर भी अभी तक लाभार्थी नहीं बन पाए, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहले जमाने में ऐसा होया करता था कि एक आम नागरिक, सरकार तो आम नागरिक की वजह से आई, आम नागरिक की सरकार, अगर सरकार उनकी है तो सरकार को उनके पास जाना चाहिए, ना कि वो सरकार के पास आए। तो अब सरकार उनके घर तक, उनके घर पे दस्तक देके उनके घर तक पहुंच रही है और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको लाभार्थी बनाने का काम कर रही है, ताकि सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है चाहे स्टेट की और सेंटर की, उन तक पहुँच पाए। आज अभी मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से आ रहा हूँ और मैंने देखा वहाँ पर कई लाभार्थी थे, इनके ऐसे भी लोग मिले जब तक नहीं जुड़ पाए थे, उनका वहीं देन एंड देयर स्पॉट पे रजिस्ट्रेशन कराया गया। और यही तो मकसद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जो लोग छूट गए हैं वो छूट ना पाए। सरकार के निज़ाम से जो भी स्कीम आती है उसका पूरा पूरा मकसद होता है कि एक आम नागरिक तक पहुँचे, और आम नागरिक तक पहुँचने में अगर कोई कठिनाई हो रही है, कठिनाई दो वजह से होती है, कई जगह पर खासकर गाँव देहात में और छोटे छोटे कस्बों में हमारी माताएँ बहनें बुजुर्ग जो भी है उनको उनकी जानकारी बहुत कम होती है, शायद इसी वजह से, या उनको बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें आने में घबराहट भी होती होगी। तो ये एक गरीब आदमी जो गरीब परिवार से बढ़ा है उसकी उसको ही इस बात का एक्सपीरियंस हो सकता था, उसको समझा उनकी तकलीफ को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे सबके लिए प्रेरक होते हैं, उन्होंने फैसला किया कि हम घर तक उनके पास जाएंगे और हम सरकार को घर तक भेजेंगे, ना कि वो एक आम नागरिक सरकार तक है, हम सरकार को घर तक भेजेंगे और उनको सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाएंगे और उसका लाभ उनको पहुंचाएंगे। यही संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और इसीलिए इसको विकसित भारत संकल्प यात्रा कहते हैं। हमने संकल्प लिया है कि मोदी जी की गारंटी घर घर तक पहुंचे और जिसको नहीं मिला है वो उसको लाभार्थी पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।